करेक्ट द क्वेश्चन एंड आई विल सॉल्व इट फॉर यू, ठीक है? कहाँ पे लिखा था? अच्छा यहाँ पे बाद में, ट्वेल्थ का भी हुआ है सेशन। गाइस गाइस शांत 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 शांत, मेरे को एक बार क्वेश्चन डिक्टेट कर दे सही वाला। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन में गलती की थी क्या? नहीं, चलिए क्वेश्चन सही दिया गया था। अब देखो, जितना मुझे वैसे देख के लग रहा है, ये इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो सॉल्व करने ही वाला है, मैं जस्ट देख रहा हूं कि क्या ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म जैसे जो रहता है अपना, फैक्टराइजेशन जिसे हम बोलते हैं, क्या उससे बेटर तरीके से हो सकता है क्या? ठीक है, मुझे नहीं पता बेटा हो रहा है या नहीं हो रहा है, आई एम जस्ट चेकिंग कि एकदम फट से अगर हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो क्या कर सकते, अब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा बेटा। पी स्क्वायर एक्स कॉमन निकला, एक्स प्लस वन आया यहाँ से, माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन निकला, लॉटरी लग गई, ये आ गया। अब पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो या तो ये जीरो या तो ये जीरो, ये जीरो तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी, ठीक है ना? सॉरी नहीं 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 सुनो, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, अगर क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ये आप करके आओगे तो जीरो मिलेगा, कुछ नहीं दिया आपने ये कर दिया चल जाएगा, रादर बेटर हो जाएगा। अब देखो, अब मैं आप लोगों को वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करके दिखा रहा हूं। ए की वैल्यू है पी स्क्वायर, बी की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, सी की वैल्यू है माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, क्या होता है वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ध्यान दो बच्चा लोग, प्लीज ध्यान दो, ये जाएगा पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस माइनस जाएगा प्लस, ये हो गया। अच्छा लोग, ये और ये लाइक टर्म्स से। अब देखो, इसके आगे आप लोगों को ये चीज क्लिक होना जरूरी है कि ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर बट हमको कैसे क्लिक होगा? अब सुनो प्लीज समझो, तुम लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब तुम लगा रहे हो और ऐसा कुछ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर टाइप चीज़ें जब आ रही है, तो 99.9% चांसेस है कि ये समथिंग का होल स्क्वायर बनने वाला है, ठीक है ना? तो देखो, अब ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर मेरा बन गया है। अब कुछ नहीं, अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, या फिर माइनस बी माइनस अंडर रूट डी गाइस शांत अपॉन टू ए। ये देखिए ये क्या हो रहा है, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, ये देखो इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही बचा, अपॉन टू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन टू पी स्क्वायर, ठीक है, ये कट गया, टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू पी स्क्वायर जो कि क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो गया है, माइनस टू पी स्क्वायर अपॉन टू पी स्क्वायर माइनस वन हो गया है, ठीक है। मुझसे पूछोगे अगर, तो ऑब्वियसली पहले वाला मेथड बेटर था, बट अगर दिया हुआ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना ही चाहे तो कुछ नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू शायद से मेरे क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई थी, तो जिन लोगों को नहीं समझा तो कोई बात नहीं, भी देख लो क्वेश्चन लिखते थे ना, माइनस बी सी। गाइस अभी शांत, अब नहीं पता है तेरी मम्मी का मैसेज आ रहा, हाँ बेटा हाँ मैंने तो किसी को बताया नहीं उस चीज का, ये मेरी गैलरी में सेव थी वो वीडियो, और आप वो वीडियो में बीच में आ गए थे। चलिए शांत, कोई कोई नहीं बता सकता उसको, तो वैसे ही हजार चाहिए ना शेयर, तो ध्यान दो बेटा प्लीज। बेटा देखो, ए की वैल्यू है ए बी, बी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए सी, सी की वैल्यू है माइनस बी सी, ठीक है, ध्यान दो प्लीज, यहाँ पे ध्यान दो। कैपिटल डी क्या हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये हो जाएगा, देखो ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी,
अच्छा नहीं बेटा, 24 नहीं ना बच्चा, बी स्क्वायर ए सी ना बच्चा, तो बी फोर कहाँ से आ गया वो? ये फर्स्ट टर्म बी की पावर फोर है, यहाँ पे बी की पावर फोर नहीं आ रहा है। हाँ फाइव, हाँ प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस फोर ए बी स्क्वायर सी, ये लिखता हूँ उसे, बी की पावर फोर प्लस टू बी स्क्वायर ए सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था बताया तुम लोगों को? हाँ अगर बातें करते पकड़े गए तो लाइट बंद होने वाली थी, ठीक है, उसके बाद में टीवी बंद होगा, मैं फट फट चैप्टर खत्म कर दूंगा आज की आज, और मैं इतना बेशरम हूँ मैं कर भी दूंगा, तुम भी जानते हो चाहिए। और तुमको अगर लग रहा है मैं नहीं करूँगा, नहीं मैं जस्ट बता रहा हूँ, तुमको अगर लग रहा है कि मैं नहीं करूँगा, एटलीस्ट आनंदम वाले के पास में सक्षम है चावला ना अपना, हाँ उसका है ना, एक बार सक्षम से पूछना, ठीक है ना, मैं जस्ट सही बता रहा हूँ। सक्षम से एक्सपेक्टेड था मैथ्स में 100, साइंस में 100, हमको उनकी क्लास ट्राइंगल्स चैप्टर के समय पे मस्ती कर रही थी, वो त्रिशूल वाला क्वेश्चन याद है उनको, वो मीडियन वाला क्वेश्चन याद है, ऑल्टीट्यूड वाला याद है, एंगल बाइसेक्टर वाला याद है, पेरीमीटर वाला याद है, तुमको याद है, उनको याद नहीं है, क्यों? नहीं पढ़ाया मैंने, नहीं पढ़ाया बेटा मैंने, पढ़ाया ही नहीं मैंने वो वाले क्वेश्चन, और तब तो वीडियोस भी नहीं होते थे मेरे पास में, सिंपल सा बोल दिया था मैंने, क्या google.com पे जाओ, जिसको समझता समझो, जिसको नहीं समझता तुम्हारे ऊपर है। एंड दैट बैच वाज ऑफ एटलीस्ट 48 स्टूडेंट्स जितना मुझे याद है, नहीं पढ़ाया बेटा मैंने, मैंने बोर्ड्स के एक दिन पहले तक के नहीं पढ़ा उन लोगों को, बोर्ड्स खत्म होने के बाद किसी ने पूछा तो बता दिया, पर कोई पूछेगा थोड़ी तब, देवर लकी नहीं आया, ठीक है बताओ तुमको। तो अगर तुमको ये लगता है, ऐसा थोड़ी होता सर तो बताएगा ना, इन चीज़ों में बहुत हरामी हूँ क्लियरली, ठीक है, ये चैप्टर की नहीं है ढूंढना, ठीक है। नेक्स्ट मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं हो रहा है फैन शुरू, क्योंकि बच्चे बात कर रहे थे, वो सही का भाई था साहिल शिवनकर, ठीक है ना, सुनो तुम बता रहा हूँ मैं, उसके भाई से कभी पूछना, इसके इनके क्लास में सूडा था, वो तनीषा सूडा का बड़ा भाई, क्या था, अंश सूडा, ठीक है ना, उसके समय पे भी इनके समय पे भी इन्होंने कुछ तो भी मस्ती किया था रैंडम सी, वो बायो की क्लास में भी मस्ती होती थी, और फिर ऐसा था कि मैं था नहीं और ये लोग केबिन में मस्ती होता, नाइन्थ में डिस्टर्ब हुआ कुछ तो भी, और मैम का मुझे सब इतना हुआ सर अब आए नहीं है, बच्चे बहुत आवाज़ कर रहे हैं, आई केम टू क्लास फॉर अ वीक जस्ट टू सिट एंड एन्जॉय, आई डिड नॉट टीच, इट इज अज्यूम्ड दैट दैट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री द चैप्टर इज डन, अब पूछ लेना मैंने नहीं पढ़ाया, आई एम वेटिंग, तुम ऐसी हरकत करो और मेरा पोर्शन आगे बढ़ जाए यार, नहीं तो इतना इजी थोड़ी खत्म होता 10 दिसंबर 12 दिसंबर तक के पोर्शन, तो आई एम जस्ट वेटिंग, और बड़ा सेडिस्ट दिमाग चल रहा है मेरा, आई विल नॉट टीच ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और बेस्ट चीज़ क्या है पता है उसकी, अरे तू जा सकती है छुट्टी पे, हाँ बेस्ट चीज़ पता है उसकी क्या है, वीडियोज है तो तुम टेंशन मत लो, नहीं लंबे लंबे रोकड़े समझदार है, तुमको नहीं समझेगा बेटा, क्यों बेटा, उसमें तुम्हारे को समझ जाएगा, सॉल्व कुछ नहीं हो पाएगा, कि तुम्हारी गलतियाँ ही तुमको समझेगी कि मैंने क्या गलत किया, ठीक है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, पढ़ लो, मेरा दिमाग मत खराब करो, बोलो बोलो, एक और बार आया अगर पंखा चालू कर दो वाला रिक्वेस्ट, तो तुम तो टाइम पर भी नहीं आए थे बेटा, तुमको तो क्लास के बाहर रखना चाहिए मैंने, तो तुमने टेक्स्ट किया तो उसे खत्म थोड़ी जाता कुछ भी। चलो गाइस अब ध्यान दो, ठीक है, ये देखो, अब ये दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, यहाँ तक है ठीक है। अब गाइस अपना फॉर्मूला वही, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा, और सुनो देखो, आई हैव सीन अ फ्यू ऑफ यू नॉट राइट दिस थिंग, तुम लोग कॉन्फिडेंट हो, तुमको ए बी सी लिखते हो, मैं सब कुछ सही रहेगा, अप टू यू यार, बट मेरा जेन्युइनली रिक्वेस्ट है कि लिख लो यार, कोई इतना पाप लगता नहीं इसको लिखते हो, मैं बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय टू ए, या तो इसका माइनस वाला, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर अपॉन टू ए बी, ब्रैकेट्स खोला बच्चा अपन लोगों ने यहाँ का,
माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस उसका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन टू ए बी, या फिर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन टू ए बी, ये और ये कट गया, टू ए सी अपॉन टू ए बी इज सी ओवर बी, और एक माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी इज माइनस बी ओवर ए। अब गाइस देखो, आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया था ना, उसमें आई सपोज गलती से ये एक्स स्क्वायर की जगह पे सिर्फ एक्स लिखा हुआ आया था, तो बेटा ऐसे समय पे ना, आपको जैसे बता रहा हूँ, बोर्ड्स में भी ना एटलीस्ट हर पाँच साल में तीन, यानी हर पाँच साल में समझ लो कुछ अप्रोक्सीमेटली 15 पेपर जो हो रहे हैं, उसमें से तीन पेपर में कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती रहती है। मान लो ये मैथमेटिक्स के चैप्टर में क्वेश्चन, ये मैथमेटिक्स के पेपर में क्वेश्चन अगर आ गया होता और आप बोलते सर है तो क्वाड्रेटिक ही नहीं तो सॉल्व कैसे करूँगा, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा हुआ कैसे वगैरह वाला, और आपने छोड़ दिया होता, और अगर ये चार मार्क का क्वेश्चन है आपको जीरो मिले होते, और यही अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने के बाद में सिर्फ एक ऐसा एट करके लिख दिया होता, फॉर एग्जाम्पल कुछ तो भी ऐसी बस ऐसी एट लिख दिया आपने, ठीक है, तो आपको चार मार्क मिल गए होते। ये अटेम्प्टेड है आप लोगों का पेपर, कुछ भी एट तो मैंने ऐसे ही बोल दिया है, या आप लोगों ने सिर्फ इतना भी लिख दिया होता, क्वेश्चन कोई कॉपी कर दिया होता तो भी आपको मार्क्स मिल गए होते। गलत क्वेश्चन में अनअटेम्प्टेड अगर छोड़ दोगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है ना, अगर आपने अटेम्प्ट किया हुआ है तो मिल जाएंगे, फाइन। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया तो डेटा जो दिया है उत्तर लिख के छोड़ दो। प्लस एक और चीज़ जैसे मैं बता देता हूँ, कई बार बच्चे लोग ना क्या होता है मेजरली मैथ्स पेपर में, ठीक है, या सोशल के पेपर में आई सपोज नॉट रियली श्योर, एक आंसर लिखा और फिर उनको लगा ये तो गलत आंसर लिख दिया मैंने, तो क्या करोगे सबसे पहले, करेक्ट, काटोगे, नेक्स्ट पेज पे जाओगे फिर लिखोगे। मेरा तुमको ये मेरे पर्सनल ओपिनियन से सजेशन है, काटना मत पहले, ठीक है, एक और बार लिख लो तुम लोग आंसर, फिर तुमको जो बेटर फीलिंग आ रहा है वो रहने दो, दूसरा वाला बाद में काटो। कई बार क्या होता है ना, हम काट देते हैं और सोचते हैं बाद में कर लेंगे, और बाद में करने का हमको मौका ही नहीं मिलता है। चार बार क्वेश्चन था आपने गलत किया है, पक्का गलत किया है, बट हो सकता है उसके आपको आधे मार्क मिल रहा हो, आधा मार्क मिल रहा हो, बट क्योंकि आपने काट दिया तो वो अटेम्प्टेड ही नहीं माना जाएगा, आपको जीरो मिल जाएगा, ठीक है। इससे पहले काटो मत, और काट भी रहे हो ना तो बस स्क्रिबल मत करो उस चीज़ को, फाइन। चलिए अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट कंसेप्ट, प्लीज न्यू पेज पे आ जाएंगे बेटा, और आप लोग लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। गाइस प्लीज शांत, क्या लिखोगे आप लोग, नेचर ऑफ रूट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये चैप्टर में, एक्चुअल में जो कुछ अच्छी चीज है वो यहीं पे ही है। एक सेकंड बेटा, नहीं कॉल नहीं, मैसेज आया था तो मैंने बोला कि शी स्टडिंग वेल, बातें करती है घर यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बट पढ़ाई में डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, मोबाइल का इस बार मेंशन नहीं किया मैंने, नेक्स्ट टाइम इच्छा हुई तो देखते हैं। हाँ बेटा, सालिफ ने भी बहुत डांट खाई है मुझसे, बहुत हरकतें तो की होगी मार खाने लायक उसने बहुत बार, बट डांट तो रोज खाता था मुझसे, बहुत रोज, यानी रोज में भी, रोज में भी मल्टीपल टाइम्स बोला था। हाँ चलिए बेटा, तेरे को कुछ पढ़ी नहीं है अभी तक के तो, चलिए ओए। अब देखो आपन लोग स्टार्टिंग से स्ट्रेस क्या जाते हैं, ए बी सी, फिर क्या निकाल देते हम लोग, डी। बेटा डी आपको डिफाइन करके बताएगा आपके रूट्स कैसे रहने वाले। देखो मैं आपको फटफट पहले कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, एक बार के लिए प्लीज बस आप लोग ध्यान दोगे। कुछ याद है, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन, एक ये ले लिया मैंने, एक ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, और एक ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। ध्यान देंगे प्लीज़ ध्यान देंगे, यहाँ का a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 10, d की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों के बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब 9 आ रही है आज जो सॉल्व करोगे, ठीक है। अब इसके आप रूट्स निकालोगे पूरा सॉल्व करोगे तो माइनस टू या फिर माइनस फाइव आएगा, ठीक है ना, मैंने स्प्लिटिंग से किया है, आप लोग जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करोगे तो भी यही आएगा। यहाँ पर देखो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 9, इसमें अब डी निकालोगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी आएगा, ठीक है, डी जीरो आएगा। अब इससे आप लोग निकालोगे एक्स वैल्यू या तो माइनस थ्री या फिर माइनस थ्री आने वाला है। क्या बच्चा, मैं इतनी कैलकुलेट ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ बच्चा, ये तो मेरे को, मैंने क्वेश्चन बनाया है इसलिए मुझे आंसर पता है, ठीक है। मैं और बैक एंड में मैं स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म से कर ले रहा हूँ, एक्चुअल में
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरे को ओरली इतना फास्ट लगाना नहीं आता है, ये यस मैंने ओरली फटफट कैलकुलेट किया, ये यस मैंने ओरली फटफट कैलकुलेट किया, वो ईजी है, कुछ नहीं, 7² - 4 × 1 × 10, 4 × 1 × 10 40 हो गया, 49 - 40 = 9, तो वैसे लिख दिया था मैंने। अब गाइस ये वाला देखिए, a₁ b₁ c₁, ठीक है, तो d की वैल्यू मेरी कितनी हो रही है, b²-4ac, वाह 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 वाह, ठीक है, -3 हुई, तो इससे आगे मैं एक भी रूट नहीं निकाल पाया। मुझे पहले बताओ ये फर्स्ट सिचुएशन में आपके कितने रूट्स आए हैं, टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग रूट्स आए जो कि रियल भी थे, ठीक है, जो एग्जिस्ट कर रहे थे, समझे तो अभी के लिए, ठीक है, यहां पे कितने रूट्स आए हैं, दो है बट वो रिपीटिंग है, तो ये क्या हो गया, रियल एंड रिपीटिंग हो गया है, यहां पे कितने रूट्स आए हैं, एक भी नहीं आएगा, तो नो रियल रूट्स। अब देखो गाइस शांत, ये जो था ना, आपको कितने नंबर ऑफ रूट्स रहने वाले हैं वो आप यहीं से डिफाइन कर सकते हो। अगर मान लो मेरा डी ग्रेटर देन जीरो है, क्या बोल रहा हूँ मैं, डी ग्रेटर देन जीरो है, तो आपके हमेशा टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग रूट्स आने वाले। अगर डी मेरा इक्वल टू जीरो है तो मेरे हमेशा रियल एंड रिपीटिंग रूट्स आने वाले। राघव ध्यान दे, डी लेस देन जीरो है, नो रियल रूट्स आने वाले। अब देखो गाइस, अगर डी ग्रेटर देन जीरो है ना, तो बेसिकली ए पॉजिटिव ही मान के चल रहा हूँ मैं, या फिर चलो छोड़ो, तो आप लोगों को बेसिकली ग्राफ या तो कुछ ये ऐसा या फिर ऐसा कुछ दिखने वाला है, मतलब ये दो जगहों पे इंटरसेक्ट करने वाला है। ये अगर डी इक्वल टू जीरो है तो आपको ग्राफ या तो ऐसा या फिर कुछ तो भी ग्राफ आप लोगों को ऐसा दिखने वाला है, वो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करने वाला है, और डी लेस देन जीरो है तो या तो ऐसा या तो कुछ ऐसा आप लोगों को ग्राफ दिखने वाला है। समझा जी क्या हुआ है गाइस, आप लोगों को जो नेचर ऑफ रूट्स हेडिंग दी थी उसके बाद में आप लोग सिर्फ ये चीज़, ये जो इसके नीचे जो है वो आप लोग लिखेंगे, ठीक है, हाँ एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं है, आप लोग बस इतना लिख लेंगे, ठीक है। हाँ अच्छा, बातें मत करो,
चले गाइस गेटिंग बैक, ये गाइस ये हो गया है फैना क्या बच्चा। अब देखो गाइस, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई हैव नेवर सीन देम आस्क एनीथिंग अराउंड दिस ग्राफ, ठीक है। बट मैं इसलिए तुमको बता रहा हूँ सो दैट तुम लोग जब भी इन फ्यूचर है, तुम लोग साइंस लो या कॉमर्स लो, ग्राफ्स विल बी अ पार्ट ऑफ इट। अब मुझे वो तीसरा फील्ड लिखा था अपना आर्ट्स ह्यूमैनिटीज का, उसका इतना आइडिया नहीं है वेरी फ्रैंकली, बट तुम लोग ग्राफ्स अपने लाइफ में देखोगे एंड बेसिक, सबसे बेसिक ग्राफ क्वाड्रेटिक के ग्राफ से शुरू होता है, लाइंस एंड क्वाड्रेटिक ग्राफ से, तो ये चीज़ अगर पता हो तो इट हेल्प्स अ लॉट, ठीक है ना। चलिए नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत फुद्दू फुद्दू से, ठीक। अच्छा एक इंपॉर्टेंट नोट वहाँ पे नीचे लिख लोगे आप लोग प्लीज, इफ आस्क फॉर रियल रूट्स, इसका मतलब हो गया डी या तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देखो डी ग्रेटर देन जीरो में भी रियल रूट्स है, डी इक्वल टू जीरो में भी रियल रूट्स थे, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को रियल रूट्स ही पूछा तो या तो ग्रेटर देन जीरो या फिर इक्वल टू जीरो वाला रहेगा अपना, फेयर एनफ। अरे ये राघव सुन, मैंने ना तेरा गला निचोड़ दूंगा पूरा, अगली बार अगर पानी की बोतल नहीं लाया तू तो, अगली बार तू क्लास में घुसने के पहले मुझे रोज पानी की बोतल भरी हुई दिखाएगा। मैं नहीं, मैं तो क्लियरली बता रहा हूँ, नहीं 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 तू पी मत पी, तू अगली क्लास से मेरे को पानी की पूरी बोतल भरी हुई मुझे दिखाएगा तो मैं क्लास में घुसने दूंगा, ठीक है ना। और देखो चाहिए तो मैं चाची को फोन करके बोलता हूँ इस चीज़ का, वो ध्यान रख लेगी उस चीज़ का। बड़ा हुआ आगे गाड़ी गई, हाँ सॉरी, नॉट रियली, वैसा वाला पार्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। जो तू बोल रही है वो चीज़ अपन देखने वाले हैं अभी। अब गाइस प्लीज 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 देखिए, अब आपको कुछ फुद्दू से क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। ये देखो बेटा क्वेश्चन अभी एक संख्या, यस गाइस देखिए एग्जांपल नंबर 16 क्या दिया हुआ है बेटा, आपको पहले डी ढूंढना है इसका, ठीक है, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। आपको रूट्स नहीं निकालना है, सिर्फ नेचर निकालना है। आप पहले डी निकाल लो, डी की वैल्यू अगर 18 आ जाएगी तो आप लोग क्या लिखोगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। -18 आ गई तो नो रियल रूट्स, डी जीरो आ गया तो रियल एंड रिपीटिंग रूट्स। बस उतना सा पार्ट करना है, करो फट से एग्जांपल नंबर 16, पेज नंबर पता नहीं बच्चा, 89 एग्जांपल नंबर 16 प्लीज फट से कीजिएगा बच्चा लोग। अरे यार गाइस क्वेश्चन पेज नंबर क्या था, 89 ना, सुन वहाँ पे बाहर एक रेनकोट पड़ा हुआ है पहना दूंगा मैंने, एक बार बड़बड़ हुई तो, ठीक है ना। और वो रेनकोट चेक करना भी शुरू कर दूंगा, उसमें पानी से वो होता ही नहीं होता है, रेनकोट है बेटा अभी तो। गाइस शांत, डी निकालना पड़ेगा तेरे को, और वो अगर ग्रेटर देन जीरो रहा तो रियल डिस्टिंक्ट, इक्वल टू जीरो रहा रियल एंड रिपीटिंग, लेस देन जीरो रहा तो नो रियल रूट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो नेगेटिव आ रहा है इससे आंसर, -8 आ रहा है, आपको सिर्फ आखिरी में क्या लिखना पड़ेगा, नो रियल रूट्स। फट से कीजिए बेटा इस चीज को, आदर्श बेटा कैमरा ऑन करो। हाँ हैदराबाद में जो है वो, हो गया गाइस। गाइज ऑन सिमिलर पैटर्न आप लोगों को अब 18 वाला करना है। सुनो अभी आपको यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स तो निकालना ही है। अब वो बोल रहा है अगर नेचर ऑफ रूट्स निकाल के रियल रूट्स निकलते हैं तो कौन से रूट्स है वो भी बता दो, ठीक है। तो आपको पहले डी निकालना पड़ेगा, फिर उसका नेचर बताना पड़ेगा कि सर रियल रिपीटिंग है या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट है या फिर नो रियल रूट्स। अगर रियल है तो उसका आंसर भी आपको निकालना पड़ेगा एक सा, फट से अलग करो। एग्जाम्पल 18 है, करिए फट से, उसको ऊपर कर दो थोड़ा शिफ्ट में, आंसर छापना मत, कोई मतलब नहीं आएगा। वन ओवर थ्री आ रहे हो दोनों रूट्स,
बट आपका डी जीरो आ रहा है तो आप लिखना पड़ेगा रियल एंड रिपीटिंग रूट्स। हाँ, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो भी नेचर है उसके अंदर आप वो भी निकालो। नहीं 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 वो मत करो ऐसा। अच्छा, और देखो यहाँ पे जिन बच्चों ने एलसीएम ले लिया होगा वो भी सही है, जिन्होंने बिना एलसीएम के किया है वो भी सही है। आपके ऊपर बेटा, आपके मन मुताबिक आप वो चीज़ कर सकते हो। हाँ वही 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 बोल रहे, फाइनल आंसर सेम ही रहने वाला है। हो गया गाइस, जल्दी 1/3 है ना? यस, गुड। दोनों भाइयों से ज्यादा रहना है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है ना? नहीं, 1/3 आएगा। 6/80? अच्छा, 6/80 ना, तो 1/3 कर बेटा उसको, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। बड़े गाइस आगे, गाइस नाउ एक्सरसाइज में भी एग्जैक्टली वही पैटर्न के क्वेश्चंस है, 1, 2 और 3। बेटा ये हो रहा है 7:37, 5 मिनट बाद में 7:43, ठीक है ना? तीनों सब पाँच करने फटाफट आप लोगों को, मेरे को होमवर्क देना नहीं है आप लोगों को, इसलिए फटाफट ये करो। ये तीनों सब पार्ट 4.4 एक्सरसाइज के, सब पार्ट 1, 2, 3। अगर रियल एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो आपको ढूंढने भी है वो। प्लीज अपनी अपने पेट के अंदर बेटा आंसर। चलो अब अपनी ने आंसर दिया वापस से, तो बच्चों पेरेंट्स को फोन करके बता देना हरकतें क्या करें क्लास में। नंबर लिख दूंगा मैं यहाँ पे बोर्ड पे। बहुत बढ़िया। नहीं बेटा, मम्मी का भी इसके। अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है। शान 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 बेटा, ऑडिशन मत देना बच्चा। बेटा जो बच्चे ऑनलाइन है, मीटिंग जैसे ही एंड होगी आपको रीज्वाइन करना रहेगा फट से। अब नहीं बेटा, शांत रहे। राघव, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बेटा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 16 × 3 48 वैसे करना रहेगा। 8 गाइस, आप लोगों का कल बायोलॉजी का सेशन रहेगा। संडे को वी आर नॉट कीपिंग एनी टेस्ट, ठीक है? मंडे को विल बी कंटिन्यूइंग विद मैथमेटिक्स एंड क्या बोलते हैं, जो भी आपका केमिस्ट्री का जो रहेगा। जो बच्चे ऑनलाइन है, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, ज्वाइन करो। ये देखिए, यही आंसर आ रहा है क्या सेकंड वाले का? मैं ना एक जेन्युइनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं नहीं वो नहीं बच्चा,
और मैं ये तुम्हारे भले के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है, एक भी सेंटर पॉइंटर नॉन बीवीएम वाला मना करेगा तो नहीं लूंगा मैं, ठीक है। डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू बी बेटर अगर एक हम लोग संडे को छोटी सी टेस्ट ले ले, सुन लो पहले सुन लो, ऑन ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये नेचर ऑफ रूट्स एंड ये सुन लो पहली बात, तुम्हारा नहीं बोलने के पहले बस ये चीज़ समझ लेना, टेस्ट देने मैं जो टेस्ट रखता हूँ उससे मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ, मैं टेस्ट तुम लोगों के लिए रख रहा हूँ वो वाली, प्लस ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड्स में इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस ये चीज़ आपको 11th 12th में भी काम में आती है, साथ ही साथ में आप लोग जितनी बार टेस्ट दोगे आप उतनी बार अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे एग्जामिनेशन के लिए। अभी भी कोई अगर बोलेगा कि नहीं सर मत रखो संडे को टेस्ट हमें नहीं देनी, एक बच्चा भी बोलेगा नॉन बीवीएम, बीवीएम वालों को नहीं देनी अभी, नॉन बीवीएम वाले तो मैं नहीं रखूंगा, चलो गुड, विल बी हैविंग अ टेस्ट ऑन संडे। मुझे पता है यहाँ पे 10 बच्चे अट्ठी जैसे हैं जिनके मन में बहुत इच्छा थी कोई तो बोलो, पर कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत नहीं है तुम लोगों को तो, विल बी हैविंग अ टेस्ट ऑन संडे, नहीं बेटा भोगा डिसाइड, हाँ सुबह सुबह ही रहेगी बेटा टेस्ट, हाँ ठीक है, बीवीएम वालों को नहीं देनी है, बट अगर कोई बीवीएम वाला बच्चा ऐसा है जिसको पता है कि हमारी पढ़ाई हो चुकी है सोशल की और उसको ये लग रहा है कि यस आई कैन अफोर्ड हाफ एन आवर 45 मिनट्स, तो वो दे सकता है, ठीक है ना। थर्ड का आंसर क्या है बेटा, और गाइस ये आंसर्स आया क्या, 2√3 बेटा, उसका 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन का 2 × 2 × 3 होगा, वो 2 × 2 का पेयर बनेगा और बाहर आ जाएगा। ये सर आपने कॉमन निकाला है, अच्छा उसे समझा अवनी, उसे समझा गाइस, एनीवन हु स्टिल सॉल्विंग, यस आई एम वेटिंग, भवन का अदित्री, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरा तब मुझे याद दिलाना जो बीवीएम के पेपर में क्वेश्चन आया था वो करवा दो, तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था साइन वाला, वो पॉलीनोमियल केस में जाया था, वो यहाँ पे भी करा के समझा सक कर सकते हैं। चलिए ओए गाइस अब शांत, अब गाइस एग्जाम्पल बेटा याद ध्यान देना, नाउ वी आर कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हाईली लाइकली आप लोगों को ये वाले पार्ट में से क्वेश्चन पूछा जाए, इवन मोर लाइकली उसका सेकेंड सब पार्ट आया जाए, 2 साल पहले सेंटर पॉइंट केस में पूछा गया था, लास्ट ईयर सेंटर पॉइंट बीवीएम डीपीएस तीनों में पूछा गया था, ठीक है। जैन वैन और बच्चे स्कूल का पेपर याद नहीं रहता है, मैं जिन में 3 पेपर्स को स्कैन करता हूँ, क्या मेरे को धा दिन दिन का क्वेश्चन पेपर पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि क्या कर सकते हैं बेटा जान दो, हाँ तो मैं पढ़ाता ही इसलिए हूँ ना बेटा, फिर रुक जा फिर अब बेटा मैथ्स भले निकालेंगे साइंस निकालेंगे सोशल में फेल 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 का क्या करेंगे, अब थोड़ी याद है मेरे को कुछ भी, अब ध्यान दो ओए गाइस, अब ये सेकेंड क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहां से एक्चुअल में अपन नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसके ऊपर जो पढ़ा है ना ये बहुत अनलाइकली रहता है पूछा जाए, ये ऐसा हो जाता है कि स्कूल का पेपर दे रहे हो, एक बार फेल हो गए हो, फिर रीटेस्ट देना है, जिसे पास कर पाए स्कूल तो उसने पहला क्वेश्चन देती है, ये सेकेंड क्वेश्चन तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पूछने वाले पक्का से पूछने वाले यानी इस पैटर्न का क्वेश्चन, रादर उनको अगर इच्छा हुई तो जो मैं आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने वाला हूँ उस लेवल पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज ध्यान दो, यहाँ पे उसने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस विल हैव 2 equal roots, मतलब क्या क्या क्या, डी इक्वल टू जीरो, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिख के आप लोग हेडिंग एंड आंसर लिखोगे, सिंस इट इज रियल एंड रिपीटिंग रूट्स हेंस डी इक्वल टू जीरो, सबसे पहले यह स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, सिंस और फिर आगे नेवर थॉट ऑफ इट, गिव मी अ मिनट ओके ट्राई करके देखते रुक जा,
तो तू बोल रहा है वो हमेशा वर्क करेगा ऐसा नहीं है, बट शायद से ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वर्क कर जाए। हाँ बट अगेन एक बार ट्राई कर सकते तू, तू करते हाँ। सिंस रूट्स आर रियल एंड रिपीटिंग हेंस डी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो तुमको ये पता है डी जीरो है, डी जीरो होने का मतलब क्या जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, के स्क्वायर अगर 24 है तो के की वैल्यू हो जाएगी या तो रूट 24 या फिर माइनस ऑफ रूट 24। अब रूट 24 का मतलब क्या हो जाता है तुम्हारा, 2√6 हो जाता है या फिर माइनस 2√6, ये चीज़ आप लिखोगे। समझा जी क्या हुई है भाई लोग, रूट 24 तक समझा क्या हुआ, अच्छा माइनस रूट 24 तक समझा, उसके आगे नहीं पता है कैसे लिखते हैं, नहीं किया तो आधा मक करता है बच्चा, मत कर ऐसा, ठीक है ना। वैसे तुम दोनों में से एक की कंप्लेन आई है कि एब्सेंट माइंडेड और नींद में रहती है सोशल क्लास में, अब मुझे पता नहीं है कौन है वो, तो वो मुझे नहीं पता, तुम दोनों फिगर वो नहीं पता मुझे, दोनों में से एक का एक कंप्लेन आया कि वैसे पढ़ लेते हैं पर एक जन नींद में रहता है क्लास में कई बार, तो वो प्रिवेंट करो, वो तो सामने बैठकर नींद नहीं आती क्या, वो मुझे पता। हाँ वैसे चश्मे के बिना वाली लग रही है। हाँ युतिका बेटा मैंने ये बोला के स्क्वायर इक्वल टू 24 अगर है तो के या तो रूट 24 या नेगेटिव रूट 24 रहेगा, ए शांत, ठीक है। और फिर ये रूट 24 में नहीं छोड़ सकते हैं, उसको हमको ये फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, ठीक है गाइस प्लीज शांति। क्या नींद आ गई हमको, फिर नहीं बेटा आज तो इसलिए नहीं करूंगा कि तुमको पता चले कि मैं इन चीजों में लीनियंट नहीं हूँ, कि आज कर दिया तो कल वापस से वही होने वाला है सीन नेक्स्ट, तो ऐसा लग रहा है। चलिए गाइस हो गया ये, वैसे ही 15 मिनट तो बचे हैं भाई क्लास खत्म होने को, 10 ही मिनट तो बचे हैं। हाँ चलिए गाइस 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 शांत। हाँ बच्चा बोल कर दे नहीं, अब गाइस प्लीज शांत। अब बेटा आप लोगों का सेकेंड वाले सब पार्ट का भी वही है वैसे, ठीक है। सिंस डी इज इक्वल टू जीरो आप लोगों का, अच्छा सिंस इट इज रियल एंड रिपीटिंग रूट्स डी इज जीरो। अब बस ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आपको मैं पहले सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इसमें ए बी सी डिफाइन करना अगर है तो आपको एक खोलना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली इक्वेशन क्या बन रही है मेरी, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। अब आप लोगों को ए बी सी क्लियरली दिख रहा है, देख बेटा इसको मैंने ओपन कर दिया तो मेरा ये फॉर्मेट में आ गया, मेरा ए की वैल्यू के है, बी की वैल्यू माइनस 2k है, सी की वैल्यू 6 है। आप लोग वो लिख दो डी जीरो है, अब रुक जाओ अभी कोई सॉल्व नहीं करेगा, मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू जीरो, राघव मैं क्लास से फेंक दूंगा, निकालूंगा नहीं मैं फेंक दूंगा अब, ठीक है ना। और सुनो अब अगर राघव ने एक भी बार टाइम पास किया क्लास में, पूरे अगस्त महीना में फैन ऑन और एसी ऑन नहीं करने दूंगा, ना यहाँ का ना सोशल का ना बायो का ना कोई क्लास का, क्लियरली बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब याद ध्यान दो ये हो गया है, अब मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, मैंने 4k कॉमन निकाल दिया है। मेरे को चलो मैं पहले ना आपको गलत तरीका देता हूँ, सुनो पहले गलत तरीका देता हूँ आपको। बच्चे लोग क्या करते हैं ना, 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k लिखते हैं, फिर ये 1 जा ये 6 जा, सही बात है, ये k और k काट देते हैं। फिर बेटा k और k कटेगा थोड़ी यार, तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है यहाँ पे, ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तुम्हारे दो सोल्यूशन आ सकते हैं, तुम k काट के उसको लीनियर में कन्वर्ट कर दियो तो गलत कर रहे हो ना तुम लोग। तो इसकी जगह पे मुझे ये 4k मैंने कॉमन निकाला है, k माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज सॉरी 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 क्या किस चीज़ का कन्फ्यूजन बच्चे ने। हाँ तो
नहीं वो जो पूछ रहा है वो सही बोल रहा है, एक समझ। देखो आप लोगों को अभी तो चलो ठीक है, जो बोलना चाहिए सर अभी तो ठीक है, क्वाड्रेटिक चल रहा तो मुझे पता है, बट एग्जाम में 15 या 16 चैप्टर मुझे आने वाले, तो मुझे क्या क्लिक होगा? बट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिख रहा है कभी भी, अनन्या तू ध्यान से सुनने चीज, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिख रहा है तो उसे सॉल्व करना है, तो तेरे को दो मेथड ही पता है उसको सॉल्व करने के, अच्छा कौन से है? स्प्लिटिंग को मिडल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना, प्लीज ध्यान रखना। ये हो गया है, या तो 4k इक्वल टू 0 या फिर k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 4k अगर 0 है तो k की वैल्यू 0 होगी या फिर k की वैल्यू 6 होगी, समझा तक है? ये है 3 मार्क क्वेश्चन, यहां तक के सॉल्व किया अगर तो 2 मार्क मिलेंगे। इसके आगे बताओ मैंने क्या मिस कर दिया है? डी तो निकाला था बेटा मैंने, सुनो ये कंफ्यूजन अब शुरू होना शुरू हो गया है। सुनो क्वेश्चन क्या था, ध्यान दो, क्वेश्चन ये बता के की वैल्यू बताओ सच दैट मेरे इसके दोनों रियल एंड इक्वल रूट्स हो, प्लीज राघव ध्यान दे पे, ठीक है? तुम लोगों को पता रियल एंड इक्वल रूट्स होना चाहिए, तुमने स्टार्टिंग में लिख दिया हेंस डी इज 0, तुमने डी की वैल्यू सॉरी ये डी की वैल्यू निकाली 0 से इक्वेट की, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, तो तुम्हारे के दो पॉसिबल आंसर आ गए कि या तो तुम k की वैल्यू 0 रखोगे तो भी d 0 हो रहा है, या k की वैल्यू 6 रखोगे तो भी d 0 हो रहा है। यहां तक किया तो 2 ही मार्क मिलेगा। एक हां मैं बताऊंगा, हां अगर k 0 रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक ही, परफेक्ट बेटा, k 0 पॉसिबल ही नहीं है होना, क्यों बेटा? अगर k 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा, समझा आप लोगों को? ये इसी चीज के कारण स्कूल है ये वाला क्वेश्चन, ये एग्जैक्ट डेटा वाला क्वेश्चन दे देती है। यहां पे फिर आपको लिखना पड़ेगा बट के कैन नॉट बी 0 एल्स इट वोंट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंप्लाइज के की सिर्फ और सिर्फ एक अकेली वैल्यू आ रही है 6। बट सुनो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा के की जो दो वैल्यू आएगी उसमें से एक कट जाएगा। अगर यहां पर मान लो के नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, कुछ और करते और के की वैल्यू 0 या 6 आती थी, आप देखो ये 0 भी हो गया तो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 6 हो गया तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, k की दो वैल्यूज आ सकती है। यहां पे तो आई थी ना यार तुम्हारी प्लस रूट टू रूट 6 एंड माइनस टू रूट 6, मेरे k की दो पॉसिबल वैल्यूज आना पॉसिबल है, सिर्फ यहां पे 0 इसलिए कट गया, क्यों? वरना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच ही नहीं पा रहा था। और ऐसा नहीं है कि k की वैल्यू 0 कभी नहीं हो पाएगी, अबे वो तो यहां पे वो a को 0 बना रहा था इसलिए नहीं हो पा रही थी। करो क्वेश्चन को सॉल्व, अब देखो क्या 4k को उधर डालेंगे, हाँ तो k की वैल्यू 0 एक आ तो रही है ना तेरी, एक संख्या पकड़ दे। अब सुनो अब जो बच्चे लोग मेरे को ये बोल रहे हैं कि सर इससे बेटर तो यही है कि मैं यहां से 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k करके ये k काट दूं, तो नहीं काट सकते हो बच्चे लोग आप, आपको दिखाना पड़ेगा कि k की पॉसिबल वैल्यू थी 0 बट वो कट गई है, क्यों? यहां पे बस ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे k की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं हो रही है, कोई और क्वेश्चन आएगा जहां पे k की वैल्यू 0 होना पॉसिबल रहेगा, तुम यहां पे ऐसा लाके फिर काट दोगे और सिर्फ k की वैल्यू 6 लिखोगे तो तुम्हारा k की वैल्यू 0 भी उस क्वेश्चन में पॉसिबल होती थी बट तुमने उसको उड़ा दिया, इसलिए ऐसा k काटो मत, ठीक है ना? हाँ हाँ, तो फिर तूने वो ना 4k को भी डिवाइड कर दिया ना, बेसिकली तूने डिवाइड कैसे कर दिया तू, या तो 4k 0 हो सकता है या फिर k माइनस 6 0 हो सकता है, वैसा लिखेंगे ना अपन पॉलीनोमियल में, तो वही कर रहे थे ना अपन लोग। नहीं, तुम्हारी मैम को बोलना ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना, ज्यादा होशियारी मत बताओ, लिखना पड़ता क्या? बिल्कुल बोल बेटा, फिर तेरा इंटरनल से मार्क्स कटेगा, बस मैं क्लियरली बता रहा हूँ बेटा, ये आपको रीजन लिखना पड़ता है, रीजन नहीं लिखो ऐसा नहीं रहता है, ठीक है? मैं ट्राई कर, गाइस आप लोग ये जब तक सॉल्व कर रहे हो आई एम डूइंग माय ओन रैंडम थिंग, ठीक है ना? एक से बच्चा आ रहा है, ऐसा क्या? सुन अल्फा
अगला, हाँ ये अल्फा प्लस बीटा होना चाहता हूँ, इज इक्वल्स टू क्या बोलते हैं माइनस के बाई टू, टू अल्फा इक्वल माइनस के बाई टू, तो अल्फा की वैल्यू माइनस के बाई फोर, फिर अल्फा इंटू अल्फा इज सी बाई टू, सी बाई ए, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू ये जो थी यहाँ डाल दिया बेटा मैंने, उससे क्या था के स्क्वायर की वैल्यू 24 आ रही है, तो के की वैल्यू प्लस माइनस रूट 24 आ रही है, वो ये वाले क्वेश्चन में हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, वो ये वाले क्वेश्चन में इसलिए हो गया क्योंकि एक ही बार केस में के था, नेक्स्ट सब पार्ट में नहीं होगा वो, ठीक है। हाँ युतिका बोलो बेटा। एक समझ क्या डी 12 आया था तेरा? तो देखो 6 प्लस माइनस रूट 12 बाई 4, मतलब 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 4, 2 कॉमन के लिए काटूंगा तो 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, नाउ गाइस 36 प्लस रूट 12 बाई 4 निकालें बेटा, 36 कहां से ले बेटा, माइनस बी लेना पड़ता है ना बेटा। गाइस प्लीज शांत राघव, बेटा माइनस ऑफ माइनस 6 का होल स्क्वायर थोड़ा रहता है, माइनस बी रहता है ना, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2 ए होता है, ये बी स्क्वायर थोड़ी होता है, ठीक है। तो वो लोग आवाज भी नहीं कर रहे थे ना बेटा। गाइस अपना प्लीज एक बार कह लेना होमवर्क लिख लो, अ वेरी स्मॉल होमवर्क जो तुम लोगों के प्रैक्टिस के लिए काम में आएगा, ठीक है। गाइस प्लीज शांत, यही वाला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वेश्चंस द फॉलोइंग वेयर हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। दे विल हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, एक समझो एक समझो, मैं तुमको डायरेक्टली भारी वाली दे रहा हूं, अटेम्प्ट करके आने की कोशिश करना, मजा आएगा, जो नहीं करोगे तुम्हारा नुकसान है बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस के टाइम्स 4k प्लस के माइनस 1 प्लस 2, ठीक है, क्वेश्चन वही है बेटा जो तुम लोग अभी करते ना एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन वाला, k की वैल्यू निकालो सो दैट रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाए, ये वही क्वेश्चन चल रहा है। हाँ बेटा वो आएगा तुमको, अभी वो कराने का हूँ मैं। गाइस प्लीज शांत, ठीक है गाइस सुनिए, अभी मंडे टू फ्राइडे नो फैन नो एसी, ठीक है ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं 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 तुम लोगों को मजाक लग रहा था ना, नाउ वी विल सी वेरी इन्हें बहुत अच्छे इसमें, ठीक है ना, मैंने राघव को 10 बार वॉर्न किया, उससे पेट में टिकी नहीं, कोई बात नहीं, एंड इफ यू वॉन्ट टू से और डू समथिंग आई विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया, स्टॉप टॉकिंग टू मैन, स्टॉप सिटिंग विथ हिम, ठीक है ना, मेक हिम रियलाइज कि व्हाट शिट ही इज, उसके कारण तुम लोग कितने स्वेटी होकर शिटी स्मेल करते जाने वाले हो सब लोग घर, मेक हिम रियलाइज दैट इन नेक्स्ट सेशन, फाइन नेक्स्ट सेशंस आई वुड रादर से, ठीक है, यानी वो आपके ऊपर, आपको बैठना है बैठो, एक इंसान इसके ऐसे इंसान का जिसके कारण आप लोगों का एसी और फैन बंद होने वाला है फॉर नेक्स्ट 1 वीक, ठीक है, अप टू यू गाइस, बचा हुआ हाँ नहीं, बट एटलीस्ट मेक हिम रियलाइज दैट कि वो उसके कारण तुम्हारे क्या कट रही है। गाइस ये 5 सब पार्ट्स है, आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है आप अटेंड करके आएंगे ना।